नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम सुल्तानपुरी के F4 में, यहाँ पर जहाँ पूरे देश में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की शहीदी के रूप में याद कर रहा है, वहीं पे F4 सुल्तानपुरी में एक नया वाकया सामने आया। यहाँ वाकया इस तरीके से आया कि कथा कथित जो गौतम बुद्ध जी है, उनकी मूर्ति कुछ लोगों के द्वारा तोड़ी गई है। लेकिन आज बात करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोग उस पर क्या बात करते हैं। आइए, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है जी? मेरा नाम त्रिलोक है और मैं भीम आर्मी से हूँ यहाँ पे जी। जब इस घटना का मुझे पता चला तो मैं तुरंत ही यहाँ पे आया। जिस हिसाब से पहले तो आप ये जिस हिसाब से ये ग्राउंड है और ये पार्क है, इसकी व्यवस्था देखिए, व्यवस्था इतनी यहाँ की ख़राब हो रखी है। इस पर कोई भी जो एक साफ सफाई कर्मचारी यहाँ पे देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। और कुछ जो मनुवादी ताकतें हैं जो ये मूर्ति को खंडित करने का काम किया है इन्होंने, और यहाँ के मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ के निगम पार्षद हैं बेबी राम जी, वो वार्ड 4 और 48 वार्ड से, और यहाँ का ये पार्क जिस हिसाब से ये गंदा है और रखा है, और उस हिसाब से ये गंदा नहीं होना चाहिए था। उनको साफ करवाने का काम कराना चाहिए जी, मगर यहाँ के निगम पार्षद जी ने उस पर कोई गौर नहीं दिया। और वो यहाँ पे आए भी और उन्होंने देखा भी, तो कहीं ना मतलब कब पता चला आपको कि कथा कथित बुद्ध जी की मूर्ति को खंडित कर गया, और किसी पे क्या अंदेशा या कुछ पता लगा कि किसके द्वारा करी गई है ये? देखिए जी, हमारे को जितना हमें लग रहा है ये मनुवादी ताकतें हैं जो ऐसा काम करती हैं, और हमारे जो आपस में जो भाईचारा है उसको तोड़ने का काम करती हैं। और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो इनके ऊपर बिल्कुल भी क्या नाम है ये पार्क के ऊपर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, और यहाँ पार्क इतना बेकार स्थिति में है, मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बेकार स्थिति में है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो अभी स्थिति है, और जिस तरह से शरारती तत्वों द्वारा ये काम किया गया, सभ्य समाज में कहाँ तक ये ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं इस पार्क का संस्थापक हूँ, धर्मपाल बोर्ड मेरा नाम है, और मैं बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को अपना अतिथि मानता हूँ, यानी अपना इष्ट मानता हूँ। और मैंने बड़े परिश्रमों से ये पार्क बनाया था रिटायरमेंट होने के बाद में, लेकिन कुछ देश के अंदर जो मनुवादी ताकते हैं वो बाबा साहब को और बुद्ध को उनसे एलर्जी है। और यहाँ पर हमारी सरकार चाहे निगम में हो चाहे केंद्र हो, वो इन चीज़ों से मतलब खिन्नता रखते हैं। इसलिए आज सवेरे मैं 8 बजे पार्क के अंदर आया तो मैंने देखा भगवान बुद्ध की मूर्ति को खंडित कर रखा था। तो मैंने यहाँ आने के बाद में लोगों को फ़ोन किया, सब आए, पुलिस को भी फ़ोन किया, SHO भी आया, निगम पार्षद भी आए, MLA ने फ़ोन ही नहीं उठाया। और वो कोई भी किसी किस्म का निगम पार्षद की तरफ से या MLA की तरफ से हमारे कोई आश्वासन नहीं है। अच्छा, जो आपने बोले कि मैंने प्रशासन को भी कांटेक्ट किया, तो प्रशासन इस मुद्दे पे क्या कह रही है? प्रशासन ने मेरी कोई संतुष्टि नहीं की। SHO आया था, पुलिस आई थी, वे कह रहे हैं भाई हम इंक्वायरी करवाएंगे, बाकी MLA पार्षद ने इन्होंने तो कोई मेरे को मतलब संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। यानी कहने का मतलब है आज़ाद भारत में आज भी ऐसी मानसिकता लोगों की है कि अपना जो एक गुस्सा है वो मूर्तियों को तोड़कर निकालते हैं। इस तरह का कृत्य आपने पहले भी कई जगहों में देखा होगा, और किस तरह से लोग एक तरह से गुस्सा उनके अंदर भरा रहता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्य करते हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे। हमें तो सवेरे पता चला कि क्या बोलते हैं मूर्ति तोड़ दी है, फिर आए देखने के लिए बुद्ध भगवान की मूर्ति तोड़ दी है। क्यों ऐसा करा, भगवानों से क्या दिक्कत है ये बताओ? वो अच्छा इस पार्क में अच्छा पर्यावरण तो किया था भी, बैठो आके साफ सफाई में शुद्ध हवा। अच्छा, लो जो यहाँ पे व्यवस्था वो समिति के द्वारा किया जाता है? नहीं, कोई समिति के जो समिति के द्वारा हमने अपनी समिति बनाई हुई है उसके द्वारा हम लोग ही करते हैं।
पानी भी देना, साफ सफाई भी करना, कूड़ा भी उठाना, अपनी जेब से ही पैसा लगा के पारिक का सारा मड़वा बाहर निकलवाना और करना, और उसके खिलाफ अगर कोई हमें जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यहाँ पे बैठ बैठ के और वहीं पे बाथरूम करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं तो 20-20, 25-25 लड़के लेके हम लोगों को मारने आ जाते हैं घर पे। अच्छा, ये परेशानी है यहाँ पे। कम से कम 40 लड़के मेरे घर मुझे मारने के लिए आए थे। किस वजह से मारने के लिए आपके घर पे आए थे? क्योंकि इस पार्क की 2 साल से देखरेख मैं करी थी। ये सावित्रीबाई फूले के नाम से पार्क हमने करवाया है, तो उस पार्क के अंदर मैं ही काम कर रही थी, साफ सफाई का सारा, पानी भी मैं खुद डाला करती थी और मड़वा भी हम तीनों माँ बेटों ने लग के बाहर फेंका था निकाल के, सारा मतलब पूरी व्यवस्था हमने करी थी। तो कुछ लोग उसमें जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, उनको मैंने रोक टोक करी, भाई ये पार्क हमने करा है, इसको मत बिगाड़ो, साफ सफाई को अच्छे से रहने दो। उस चीज़ के लिए उन लोगों ने मेरे घर पे आके मेरे पे ही मतलब मार पिटाई चालू कर दी। देखिए किस तरह की घटना सामने आती है, जहाँ पर हम पर्यावरण की बात करते हैं, सरकारें तमाम तरह की जागरूकता अभियान शुरू करती है और एक महिला, इनको इतना ख्याल है कि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, फिर भी लोगों के द्वारा इस तरह का कृत्य बहुत ही निंदीय है। आइए, मुझे कहते हैं ये तो सरकारी पार्क है, तेरे बाप का पार्क है। अच्छा। इतना उल्टे सीधे गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पे आप? पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जैसे ही तोड़ा है अपना जुर्म कबूल करे और सामने आए, पीछे से ये हरकत ना करे जो भी किया है। तो हम यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द एक्शन उठाया जाए, दिल्ली पुलिस को बोलना है कि भाई आओ। और यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे बुत वाले आते ही नहीं, जो इनके जो जो बीट वाले हैं वो आते ही नहीं, तो यहाँ पे सबकी शिकायत है। मैं यहाँ से आजाद समाज पार्टी से बीमारी से प्रत्याशी हूँ, मेरा नाम स्नेहा अटवाल है, वार्ड नंबर 48 N। तो मुझे भी सुबह ही पता लगा है, धर्मपाल अंकल जी ने बताया मेरे को कि हमारे यहाँ पे भगवान बुद्ध जी की मूर्ति खंडित हो गई है, तो आप आके देखो। तो मैंने जब भी अपनी टीम वालों को बोला है कि भाई आओ और इनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो यहाँ पे, तो अब देखते हैं कि पुलिस अपना एक्शन उठाती है कि नहीं उठाती। बाकी SHO साहब आए थे, हमारे कौंसलर साहब आए थे, बाकी अब देखते हैं। जैसा कि आपने साफ सुना कि यहाँ के जो लोग हैं उसमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि जब किसी महात्मा या भगवान के प्रतिमा के ऊपर इस तरह का व्यवहार या फिर इस तरह का कृत्य किया जाता है को कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ ज़रूर होती है, क्योंकि उनसे कहीं एक इमोशनली टच जुड़ा होता है। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।